जगह दे देता हूँ वो आपसे मैं शेयर कर दूंगा तो आपको कभी भी फ्यूचर में मसला हो आप उस जगह देख सकते हैं ठीक है अच्छा जी अभी हम एक सवाल और करते हैं ये वाला सवाल करते हैं ये थोड़ा टेक्निकल ये पास पेपर का सवाल है लेकिन थोड़ा अच्छा सवाल है और फिर हम क्या नाम है नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं

ये हमारे पास आ गई डेबिट साइड और ये हमारे पास आ गई क्रेडिट साइड ठीक है बेटा आपने प्रैक्टिसेस की इस दौरान जो छुट्टियां वगैरह थी इसमें प्रैक्टिसेस की आपने नहीं सर अभी मेरा अभी एडमिशंस के पीछे मैं वो थी बहुत ज्यादा बिजी थी लेकिन अभी अब जाके फ्री हूँ तो अब शुरू करूंगी चले ठीक है नो इश्यूज ठीक है बेटा हम आज कैश बुक बनाना सीख रहे हैं ठीक है आज हम कैशबुक बनाना सीख रहे हैं ओके okay. सो so, यहां ये है आपने सीखा वैसे बस एक सवाल है पास ऊपर का ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए सो so, इसमें ऊपर अगर आप देखें सवाल है, अच्छा ये मैं इस सवाल में इशू क्या है मैं जरा पढ़ लेता हूँ ये कह रहा है जॉर्ज गेल हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फॉर द वीक एंडेड थर्टी फर्स्ट मई दो हजार आठ ठीक है सवाल यहां से स्टार्ट हो रहा है

ठीक है ठीक है बेटा बहुत आला तो पहले हम लिख देते हैं यहां पे कैश यहां पे लिख देते हैं बैंक और यहां पे लिख देते हैं डिस्काउंट ठीक है एंड एज हम यहां भी लिख देते हैं डिस्काउंट यहां लिख देते हैं कैश और यहां लिख देते हैं बैंक तो सबसे पहले हम बैलेंस बीधी लिखेंगे जैसे आपने फरमाया तो हम देखेंगे बैलेंस पीडी क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप आपके जेब में कैश नहीं और आप किसी को दे दें आप तभी देंगे जब आपके जेब में कैश होगा तो बोला द बैलेंस ऑफ एटी कैश द बैलेंस ऑफ एटी कैश मतलब इसका मतलब क्या है हमारे पास जो कैश का बैलेंस आ रहा था वो कितना आ रहा था 80 आ रहा था डेट कौन सी है हमारे पास 25 सर ये बैंक में नहीं होना चाहिए डेबिट के साइड पे और फिर

कर, बेटा वो मैं कर रहा हूँ बेटा मैं वो कर रहा हूँ मैंने ये बोला की जो हमारे पास ट्रांजेक्शन है ना इसमें दो एंट्रीज है बेसिकली इसमें दो बातें हैं एक बात हिडन है हिडन बात ये है कि हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है वो हमारे पास एटी का आ रहा है जो हिडन बात है ठीक है ये हिडन बात है कि बैलेंस कितना है एटी तो मैंने एटी लिख दिया अब मैं आ रहा हूँ असल बात जो उसने सवाल अपने बोली है वो बोल रहा है कि जो बैलेंस था एटी का ये हमने क्या कर दिया बैंक में ट्रांसफर कर दिया अब मैं इसकी प्रॉपर एंट्री कर रहा हूँ अब मैं क्या कर रहा हूँ बाकायदा एटी बैंक में ट्रांसफर कर रहा हूँ मैंने 80 ट्रांसफर कर दिया और ये कहाँ से गया ये कैश से गया 80 रुपीस मैंने यहाँ कैश में लिख दिया यहाँ रेफरेंस में लिख दूंगा बैंक ठीक है और यहाँ रेफरेंस में लिख दूंगा कैश और डेट कौन सी लिख दूंगा यहाँ पे 25 मई और यहाँ भी लिख दूंगा हमारे पास आ जाएगा 25 मई यहाँ तक बात ठीक है यहां तक बात क्लियर है जी सर इज इट ओके ठीक अच्छा अब आगे चलते हैं

ठीक अच्छा जी अब आगे पढ़ते हैं असल बात बोली है और आपने मुझे सोच के बताना है कि इसका क्या हो सकता है वो कह रहे हैं दिस रिप्रेजेंटेड दिस रिप्रेजेंटेड हाफ द बैलेंस एट द बैंक ये जो पैसे हम जिस वक्त निकाल रहे थे उस वक्त बैंक का बैलेंस हाफ था पहले मैं आपको कहानी सुनाऊं फिर बता दू सारा देखिए यहां बैंक का बैलेंस मिसिंग है ये जो हम अकाउंट बना रहे हैं ये अभी बिजनेस स्टार्ट अभी नहीं हुआ

तो मुझे बताएं फाइव में शुरू में, के में। 860 का, डबल? के 860 का डबल ठीक है आपने बिल्कुल सही फरमाया कि मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं मुझे बताएं ये कितना हो जाएगा 1720 इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऐसा ही है अच्छा पर इशू है 17, जो बैलेंस था ये आ बैलेंस है, ये बिफोर होता है. तो जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, उन सबसे पहले बैलेंस होता है मतलब पहले बी आता है बाकी ट्रांजेक्शन आती है तो मुझे बताएं क्या ट्वेंटी फाइव मई से लेके ट्वेंटी सिक्स मई तक कोई और ट्रांजेक्शन नहीं हुई थी जी सर हुई थी

तो मुझे बताएं कितना आ जाएगा क्या बैलेंस भी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे सेवनटीन ट्वेंटी इसमें एटी ऑलरेडी एडेड है ये डेबिट हुआ है ना मतलब एटी क्या हो गए होंगे बढ़ गए होंगे बैंक के अंदर तो हम क्या करेंगे एटी आपने डिपॉजिट किया है इसमें से एटी रुपीज माइनस कर देंगे तो बताए ये कितना आ जाएगा सिक्सटीन फोर्टी बेटा ये जो सेवनटीन ट्वेंटी है ना ये एटी रुपीज करने के बाद है और बैलेंस बीडी जो होता है वो डिपॉजिट करने से पहले का बैलेंस होता है तो जो चीज आपने डिपॉजिट की है वो उसमें से हटा देंगे ताकि सही वाला बैलेंस भी आए लाइक फॉर सपोज मैं 1800 यहां लिख देता हूं अब मैंने ₹80 जाके और डिपॉजिट किए ये तो 1880 हो जाएगा जबकि बैलेंस 1720 आना चाहिए ₹80 डिपॉजिट करने के बाद लेकिन जब मैं 1640 लिखूंगा यहां पे Write, write, write रिपीट कर, तो yes, तो कर दू उसने कहा जिस दिन हम एट सिक्सटी निकाल रहे थे तो उस दिन जितना भी बैलेंस था को यह उसका आधा बनता था इट मीन ऑन ट्वेंटी या दूसरे लफ्जों में एटी रुपीज जमा करने के बाद हमारा बैलेंस बना 1720 और बैलेंस बीडी क्या होता है ये एटी रुपीज जमा करने से पहले का बैलेंस एटी रुपीज डिपोजिट करने से पहले का बैलेंस तो ये एड हुआ है हम इसको माइनस कर देंगे हम रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं पीछे जा रहे हैं हम लोग ठीक है अच्छा बेटा यहां तक बात क्लियर है सारी ठीक है अच्छा अब आते हैं आगे

अच्छा उसके बाद आ जाए अच्छा ठीक है ट्वेंटी टू थाउजेंड और फिर उसको जॉर्ज लिखेंगे मतलब डिटेल में जॉर्ज लिखेंगे बेटा जॉर्ज ओनर है जॉर्ज ओनर है ठीक है ना ये सर, मतलब नहीं, होगा नहीं ड्राइंग नहीं है बस इसको तो समझिएगा ठीक है ये इसने आगे जॉर्ज देखिए ऐसी कोई भी सवाल होगा जिसमें ड्राइंग हो जिस तो वहां पर्सनल का वर्ड यूज करेगा वहां ये बोलेगा जॉर्ज पर्सनल बैंक अकाउंट बढ़िया इसने पर्सनल बैंक अकाउंट वर्ड है क्या लिखा जॉर्ज बिजनेस बैंक अकाउंट बिजनेस बैंक अकाउंट का मतलब ये वाला अकाउंट जो हम बना रहे हैं ये वाला ये वाला मतलब हमारे पास पैसा आया है बिजनेस के एंगल से अगर आप सोचें बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है ऑनर का नाम इसने ऐसे यूज किया है तफरी में अगर ये ड्राइंग होती का करता। है तो यहाँ पर्सनल आप देखिएगा कभी कभार प्राइवेट यूज प्राइवेट इंश्योरेंस प्राइवेट बैंक अकाउंट इस तरह के वर्ड यूज करता है वो तो इसका मतलब क्या है कि हमने एक लोन लिया था अब लोन क्या होता है कैश में नहीं होता ज्यादातर वो ट्रांसफर कर दिया जाता है मतलब आपका जो आप आपका अगर किसी बैंक में अकाउंट है आप उस बैंक के पास जाते हैं और आप बोलते हैं मुझे जरूरत है पैसों की तो वो बैंक जब आपको पैसे देगा तो वो आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा जितनी भी लोन की अमाउंट होगी वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी तो बेसिकली हमारे बैंक में पैसा आया है तो हम क्या करेंगे ट्वेंटी टू थाउजेंड था। यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखेंगे बैंक के ठीक अब यहाँ पे हम क्या करेंगे यहां पे लिखेंगे हम लोन क्योंकि ये लोन की सूरत में आया था और डेट हमारे पास क्या थी ट्वेंटी एट हम ट्वेंटी एट मई लिख देंगे यहाँ तक मेरे साथ है बेटा यहाँ तक बातें क्लियर हो रही है ओके okay. चलिए अब आ जाए वो कह रहा है पेड थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड बाय चेक फॉर न्यू फिक्सचर्स एंड फिटिंग बैंक को क्रेडिट करेंगे पेड थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड बाय चेक फॉर न्यू फिक्सचर्स एंड बैंक को क्रेडिट करेंगे ठीक है डेट हमारे पास कौन सी आ रही है डेट है हमारे पास ट्वेंटी नाइन अच्छा ठीक उसके बाद आ जाए थर्टी वाली इंट्री पड़े बैंक डिपोजिट अकाउंट ट्रांसफरिंग फ्रॉम कैश अच्छा यहाँ इसका इसका पहले मैं बता दूं देखिए हमारे पास बैंक के दो अकाउंट होते हैं ज्यादातर एक होता है हमारे पास बैंक का करंट अकाउंट एक होता है हमारे पास बैंक का करंट अकाउंट और एक होता है हमारे पास बैंक के अंदर डिपॉजिट अकाउंट ठीक है करंट अकाउंट अच्छा, क्या होता है एक मिनट थोड़ा वेट कीजिएगा मैं इसको करूँ फिक्रिया ठीक अच्छा करंट अकाउंट क्या होता है करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो तकरीबन हर बिजनेस ओपन करता है क्यों ओपन करता है एक तो पैसे सेफ रहते हैं चोरी नहीं होते दुकान में पड़े रहेंगे चोरी हो जाएंगे सेकेंडली आपको कोई पेमेंट करनी है या किसी से कोई पैसा रिसीव करना है तो बैंक के थ्रू वो आसान हो जाता है लोग ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं आप कोई ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं मतलब बैंक एज एन एजेंट आपके रोल प्ले कर रहा होता है तो करंट अकाउंट क्या होता है नॉर्मली हर बिजनेस जो अकाउंट ओपन करता है बैंक के अंदर वो करंट अकाउंट होता है जैसे बड़े बड़े बिजनेस होते हैं इनके पास जो भी सेल होती है वो सारा पैसा घर नहीं ले जाते वो जाके बैंक में जमा कर देते हैं

पैसा पड़ा रहेगा ना उसकी वैल्यू गिर जाएगी लाइक इफ यू हैव नाउ साल के बाद जब आप वो 2000 रुपीस खर्च करेंगे तो उससे चीजें कम आएगी। मतलब हैचेजिंग पावर पैसे की गिर जाती है तो लोग क्या करते हैं अगर एक्सेस मनी होती है तो वो क्या करते हैं जाके बैंक में एज अ सेविंग पर्पज रख देते हैं निकालते नहीं बस रख देते हैं मकसद ये होता है कि हर साल उस पर क्या मिले हमें इंटरेस्ट मिले

वो हमने बैंक डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया फिर तो ये डेबिट होगा कैश जा रहा है आपके पास से पहले मुझे ये बताएं कैश जा रहा है क्या करेंगे कैश को क्रेडिट करेंगे ठीक है तो हम कैश को यहाँ पे क्या कर देते हैं क्रेडिट कर देते हैं ठीक अब मसला ये बताते डेबिट किसको करें तो यहाँ इस बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे ये वाले को नहीं करेंगे क्योंकि ये बैंक करंट अकाउंट है और यहाँ जो बात हो रही है बैंक डिपॉजिट अकाउंट की बात हो रही है सो so हम यहाँ पे डेबिट किसको करेंगे यहाँ पे हम डेबिट करेंगे किसको डिपॉजिट अकाउंट को तो यहाँ पे आप लिख लें बैंक सर लेकिन पैसे तो बढ़ रहे हैं तो हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं बेटा बात अरे मैं कैश की बात कर रहा हूँ क्रेडिट मैंने किसको किया oh, मैंने कैश को क्रेडिट किया ना मेरे पास तो कैश जा पैसे तो वाकई बढ़ रहे हैं पर वो डिपॉजिट अकाउंट में बढ़ रहे हैं ना अच्छा जी यहां तक बात समझ में आ गई अब आखिरी ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं आखिर में उसने लिखा है कि पेड वेजेस हंड्रेड इन कैश पेड वेजेस हंड्रेड इन कैश क्या करेंगे इसका कैश को क्रेडिट करेंगे और रेफरेंस में हम वेजेस लिखेंगे ठीक है कैश को क्रेडिट करेंगे कितना कैश है हमारे पास हंड्रेड और आ थर्टी वन ठीक है अच्छा जी अब आते हैं अच्छा एक और चीज बताने से पहले चले पहले हम कर लेते हैं काम आ, अब आखिर में हम क्या करेंगे दोनों साइड का टोटल करेंगे ये हम कर लेते हैं सो So, पहले हम आते हैं कैश के ऊपर अरे मैंने एक सॉरी 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 मैंने आईडी नहीं भेजी किसी को एक मिनट वेट कीजिएगा मैं एक स्टूडेंट जो उनको भी दे दी थी क्लास उनको मैं आईडी भेज जी सर लॉस करवा दिया मैंने जब तक इसकी टोटलिंग कर लें अच्छा जी तो यहाँ पर हमारे पास डिस्काउंट में फिफ्टी आ जाएगा ठीक है केश की बात करें, तो यहां जाएगा नाइन हंड्रेड एंड एटी आ जाएगा यहाँ आ जाएगा नाइन हंड्रेड एंड एटी और इसमें से आप माइनस करें सेवन हंड्रेड एंड एटी तो आई थिंक टू हंड्रेड हमारे पास क्या आ जाएगा बैलेंस सीडी आ जाएगा तो ये हो जाएगा बैलेंस सीडी डेट यही वाली होगी थर्टी फर्स्ट और यहाँ आ जाएगा बैलेंस बीरी और यहां पे अमाउंट हमारे पास कितना आ जाएगा टू हंड्रेड और इसकी जगह हम लिखेंगे फर्स्ट मई के बाद क्या आता है जून ठीक अच्छा जी अब आते हैं बैंक के ऊपर आते हैं तो बैंक की कौन सी साइड आया रहे डेबिट साइड या क्रेडिट साइड अह uh, डेबिट डेबिट साइड तो डेबिट साइड का अमाउंट बताएं कितना आ रहा है 4170 4170 4170 इसमें से माइनस करें ये दोनों फिगर थ्री थाउजेंड फाइव कितना है बैलेंस सिक्सटी सर क्रेडिट so, ज्यादा आ रहे तो आपने मुझे यहाँ थ्री सिक्स अच्छा तो आपको ठीक है तो 4, 4, और बैलेंस आ तो इसका बैलेंस भी आ जाएगा वन नाइनटी और डेट आ जाएगी हमारे पास थर्टी फर्स्ट मैं, और यहां आ जाएगा बैलेंस बी डी और हमारे पास अमाउंट कितना आ जाएगा वन नाइनटी डेट आ जाएगी हमारे पास फर्स्ट जून ठीक है यहां तक मेरी बात समझ आ गई अच्छा एक बार सवाल आया था उसमें मैं एक, एक ट्रांजेक्शन का इजाफा कर देता हूँ यानी सारी चीजें यही है सिर्फ बैलेंस सीरीज बैलेंस सीडी नहीं निकाले बैलेंस सीडी से पहले वो एक ट्रांजेक्शन और दे देता है All the cash all the cash were all the cash were transferred to bank all the cash were transferred to bank except except dollar fifty ठीक है बैलेंस सीडी को आप भूल जाए मतलब फॉर सपोज बैलेंस सीटी उसका यही आ रहा है सवाल का लेकिन यहाँ बैलेंस सीडी मैं बटा देता हूँ हटा देता हूँ उसने कहा कि भाई क्या ना है मैं, जितना भी हमारे पास कैश था वो सारा हमने क्या किया बैंक में ट्रांसफर कर दिया सिवाय फिफ्टी रुपीस के क्या करेंगे इसका सर को माइनस कर देंगे ठीक है मतलब क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इम्पैक्ट तो बताएं मुझे जितना भी कैश था वो हमने बैंक में ट्रांसफर कर दिया इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कैश डेबिट ठीक है कैश डेबिट होगा मतलब मैं मेरी बात वो क्या रहा है जितना भी कैश हमारे पास था वो सारा हमने ट्रांसफर कर दिया बैंक में सिवाय फिफ्टी रुपीज के इसका मतलब हमारे पास कैश बचा कितना होगा पहले मुझे ये बताएं कैश बच जाएगा कितना $50. 50 तो इसका मतलब ये हम पहले बैलेंस सीधी लिख लेते हैं इस इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए तो फिर आपने क्या करना होगा बैलेंस सीटी लिख देना होगा फिर बैलेंस सीटी मालूम नहीं करना फिर दूसरी फिगर मालूम होगी मतलब आप यहाँ पे बैलेंस सीढ़ी लिख देंगे कितना 50 रुपीस. कितना एंड लिख देंगे बैलेंस पीडी कितना फिफ्टी रुपीज अब अगला स्टेप क्या है वो बैंक ट्रांसफर वाली अमाउंट फाइंड करनी होगी तो वो कितनी होगी तो बहुत आसान है इस फिफ्टी को ये जितना भी अमाउंट हमने लिखा है ना ये क्रेडिट साइड पर माइनस कर दें ये जितना भी अमाउंट हमने लिखा हुआ ये सारा प्लस करें और नाइन एटी से माइनस कर दें आपके पास अमाउंट आ जाएगी जो हमने ट्रांसफर कर दिए बैंक में पता है कितनी आई अगर हूं अगर वो कहता है ऑल द कैश वर ट्रांसफर टू बैंक एक्सेप्ट फिफ्टी इसका मतलब क्या है कि बैलेंस कितना होगा कैश का फिफ्टी रुपीज बैलेंस कितना हो जाएगा कैश का

इस 980 में से 50 100 600 एटी माइनस करें तो जो डिफरेंस आएगा वो हम यहां लिख देंगे वो हमारे पास हो जाएगी बैंक की फिगर जो आपने बैंक में ट्रांसफर किया बात समझ में आ रही है जी सर तो मुझे बता सकते हैं कितनी फिगर आई बैंक की तो नाइन जो हमारा क्रेडिट साइड है और डेबिट साइड दोनों को ऐड करके फिर माइनस करना है हां हां मतलब जाहिर सी बात मतलब है पहले आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे ना पहले टोटल तो डेबिट साइड का ही करेंगे क्योंकि कैश की डेबिट साइड हमेशा हायर होती है तो पहले डेबिट करेंगे कैश कैश की केश की टोटल टोटल का सॉरी पहले डेबिट डेबिट साइड साइड जो है उसका करेंगे तो ये तो नाइन एटी आएगा कुछ भी करना क्योंकि हमने फाइंड किया हुआ है अच्छा अब जो नाइन एटी हमारे पास ये नाइन एटी आप क्या करेंगे जितनी भी क्रेडिट साइड पे आइटम है देखें जिस तरह बैलेंस सीधी फाइंड करते हैं ना इस तरह ये अमाउंट फाइंड होगी बैलेंस सीधी क्या होती है बैलेंसिंग फिगर होती है बैलेंसिंग फिगर मतलब जो दोनों साइड का डेबिट क्रेडिट का टोटल करके आती है तो ये जो बैंक वाली फिगर है ये सवाल में नहीं दी हुई हुई है तो ये हो जाएगी बैलेंसिंग फिगर मतलब जिस तरह बैलेंस सीडी करते हैं इस तरह हैं ये करेंगे बस एक एंट्री कर देंगे बैलेंस सीडी की हम वो पहले से लिख लेंगे क्योंकि वो कह रहा है फिफ्टी रुपीज का कैश हमने छोड़ दिया था तो हमारा फिफ्टी रुपीज का कैश एज ए बैलेंस सीडी आ जाएगा बाकी ये वाली फिगर कैसे फाइंड होगी मैं आपको भी दिखाता हूँ कैलकुलेटर रखिएगा 980 हमारे पास टोटल आ गया डेबिट साइड का, ठीक है बेटा, इस 980 में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 780, 780 प्लस 50, ये हो जाएगा जाएगा प्लस ये हमारे पास 830, 830 में से नाइन एटी माइनस करेंगे यू विल गेट वन फिफ्टी इसका मतलब हमने वन फिफ्टी क्या किया है बैंक में ट्रांसफर किया है तो हम बैंक को जाके सॉरी हम बैंक को जाके वन फिफ्टी से क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे रेफरेंस में कैश लिखेंगे और यहाँ पे कैश को 150 से क्रेडिट करेंगे रेफरेंस में लिखेंगे बैंक ये जो 150 फिगर है ये मैंने कैसे फाइंड किया डेबिट साइड का टोटल किया और सारे क्रेडिट साइड के आइटम माइनस किए तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई 150 आ गई तो 150 मैंने यहां लिखा क्रेडिट साइड पे और यही आइटम मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया बात समझ में आ रही है बेटा ठीक है कोई बात नहीं समझ में आया तो पूछा करें मैं दो बार समझा दिया करूंगा तीन बार समझा दिया करूंगा वो कोई मसला ही नहीं है तो मैं दोबारा ओरिजिनल क्वेश्चन पे जो मैंने करवाया था आपको तो। एक मिनट वेट कीजिएगा अच्छा जी यहाँ तक कोई सवाल बेटा नहीं सर ओके चले जी चलिए जी, हम ऐसा कर लेते हैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं तो ये था हमारे पास बुक ठीक है अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं जो कि हमारे पास है सेल्स जनरल सेल्स जनरल बेटा माइक बंद कर दें मैंने वाणन कौन अच्छा जी सीज़न बेटा माइक बंद कर दें संजना बेटा संजना बेटा माइक बंद कर दें ठीक हम चुप कर जाऊं ठीक है अच्छा बेटा देखें

तो कैश बुक तो बनती है हमारे पास किसके लिए रिसीट एंड पेमेंट्स के लिए ठीक है आपने सही फरमाया कैश एंड बैंक अच्छा अब हमारे पास और भी ट्रांजेक्शन होती है लाइक फॉर सपोज आप कोई गुड्स कोई भी गुड है जो उधार पे सेल करते हैं उधार पे सेल करते हैं तो ये कौन सी जगह जाएगा तो ये जाएगा सेल्स जनरल में या सेल्स डे बुक में कहा जाएगा सेल्स जनरल में या सेल्स डे बुक में ठीक है सेल्स जनरल क्या है मतलब ये एक रजिस्टर होता है एक कॉपी होती है जिसमें आप इंट्रीज डे वाइज रिकॉर्ड करते हैं कि आज कितनी सेल्स हुई कल कितनी सेल्स हुई परसों कितनी सेल्स हुई डेट वाइज आप रिकॉर्ड करते हैं और इसमें आता क्या है इसमें हमारे पास क्या नाम है एक होता है डेट का कॉलम उसमें हम डेट लिखते हैं ठीक है एक कॉलम होता है उसमें हम क्या करते हैं कस्टमर का नाम लिखते हैं लाइक like हमारा कस्टमर कौन है उसका नाम आ जाता है और एक कॉलम होता है हमारे पास अमाउंट का उसमें हम पैसे लिखते हैं अब इंट्रीज रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होता है कि हमारे पास हम जब भी कोई सेल करते हैं जहर बिल भेजते हैं जब भी हम कोई सेल करते हैं तो जो भी रिलेवेंट पार्टी होती है उसको बिल भेजते हैं और अकाउंटिंग में ऐसे बिल को क्या कहा जाता है इन्वाइस कहा जाता है जब भी आप कोई चीज उधार पे बेचते हैं या खरीदते हैं तो उधार पे जब भी आप कोई चीज बेचेंगे आप एक बिल भेजेंगे पार्टी को रिटर्न डॉक्यूमेंट भेजेंगे रिटर्न प्रूफ को देंगे कि भाई आपने ये ये माल खरीदा था और आपके इतने पैसे बनते हैं ताकि फॉलो अप हो सके फ्यूचर में कोई पैसों के हवाले से मसला हो तो वो बिल को जाके प्रेस कर सकता है उससे देख सकता है तो उस बिल की बुनियाद पर हम इंट्रीज कर, कर रहे होते हैं तो यहां हम क्या करते हैं डेट लिखते हैं लाइक फॉर सपोज फर्स्ट जनवरी को कोई ट्रांजेक्शन हुई तो मैं लिखूंगा फर्स्ट जनवरी फिर लिखूंगा पार्टी का नाम जिसको मैंने माल भेजा है फॉर सपोज पार्टी का नाम है ए बी सी मैं उसका नाम लिख दूंगा ठीक है फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा अब मसला है एक बहुत बड़ा जब भी हम कोई चीज सेल करते हैं तो हम सेल एक होती है प्राइस एक होती है हमारे पास लेस प्राइस फॉर सपोज प्राइस कितनी है 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 सर प्राइस क्या होती है? बेटा मेरी आवाज सुन रहे हैं मेरी आवाज आ रही है आपको ओके okay. प्राइस क्या होती है आप कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखी हुई होती है वो प्राइस जो उस पर जो उस पर लिखी हुई होती है जो उस उसपे प्रिंटेड होती है कोई भी आप बुक बाय करने जाते हैं उस पर लिखी होती है कि इट किउंड एट हंड्रेड रुपीज ये एट फिफ्टी जो उस पर लिखी होती है कोई भी बाजार से आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं या कोई भी दवाई लेने जाते हैं उस पर एक प्राइस लिखी हुई होती है उसकी रेलिवेंट uh, पैकेज पे आ रही होती है पैकिंग पे आ रही होती है जो भी इसकी प्राइव प्राइस होती है तो जो प्राइस पेस्टेड होती है प्रिंटेड होती है उसको हम कहते हैं लेस्ट प्राइस तो अमूमन ये होता है कि जब कोई बंदा बल्क में बाई करता है या हमारा रेगुलर कस्टमर होता है तो हम उससे लिस्ट प्राइस वाली प्राइस चार्ज नहीं करते हम थोड़ा बहुत क्या करते हैं उसको डिस्काउंट दे देते हैं क्या देते हैं डिस्काउंट दे देते हैं तो अकाउंटिंग में कोई भी ऐसा डिस्काउंट जो परचेज पे या सेल पे दिया जाए ठीक जब भी आप कोई चीज सेल कर रहे हैं बल्क में सेल कर रहे हैं और या रेगुलर कस्टमर है उसको सेल्स कर रहे हैं तो अगर कोई भी ऐसा डिस्काउंट आप बल्क सेल पे उसको दें या फिर क्या नाम है रेगुलर कस्टमर है तो उसको दें इसको हम प्यार से क्या कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमारा माल ज्यादा से ज्यादा बिके हमारी सेल ज्यादा से ज्यादा हो ठीक है तो फॉर सपोज आपने टेन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट दिया कितना दिया कोई भी पार्टी आई थी एबीसी आई थी एबीसी ने कोई चीज खरीदी की लेकिन आपने क्या किया आपने कहा वो दोबारा भी मेरे पास आए या फिर उसने सामान ज्यादा खरीदा था तो आपने टेन परसेंट उसको क्या कर दिया छोड़ दिए तो वन थाउजेंड क्या टेन परसेंट कितना आ जाएगा हंड्रेड आ जाएगा हम ये हंड्रेड इसमें से माइनस कर देते हैं

अगर क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस दी हुई है तो और ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ है तो आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना होगा और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो आंसर आता है वो हमारे पास कह रहा था इनवाइस वैल्यू ठीक है या इनवाइस प्राइस इसको कह दें हम ये वाली प्राइस क्या करेंगे लिखेंगे जाके ऊपर ठीक है हम यहाँ जाके लिखेंगे नाइन ठीक है हमारे पास कोई दूसरी पार्टी आई सेकेंड जनवरी था हमारे पास दूसरी कोई पार्टी आई उसका नाम था पी क्यू आर हमने उसको माल बेचा उसको जो माल बेचा था उसकी लेस्ट प्राइस थी फॉर सपोज कितनी टू थाउजेंड और हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया कितना हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया वन एटी रुपीज का कितना वन एटी रुपीज का परसेंटेज में नहीं अमाउंट में दिया वन एटी रुपीज का तो हम क्या करेंगे वन एटी जो ट्रेड डिस्काउंट है वो इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो मुझे बताएं फाइनल अमाउंट कितना आ जाएगा एटीन ट्वेंटी ये हो जाएगा एटीन ट्वेंटी तो हम यहां कितना रिकॉर्ड करेंगे एटीन ट्वेंटी रिकॉर्ड करेंगे ऐसे ही हमारे पास थर्ड जनवरी आया संजना बेटा मेरी बात सुन रहे हैं संजना बेटा देयर ओके okay, बेटा मैं थर्ड जनवरी को हमारे पास एक और पार्टी आई उसका नाम था एक्स आउट किया फोर सपोज टेन परसेंट तो थ्री थाउजेंड का टेन परसेंट कितना हो जाएगा थ्री हंड्रेड हो जाएगा हम थ्री हंड्रेड इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी दैट इज वो कितने आ जाएगी टू थाउजेंड सेवन तो हम यह लिखेंगे 2000, 700. सर इसके बाद क्या हुआ इसके बाद हमारे पास आ गया फोर्थ जनवरी अच्छा एक दिन पे कहीं भी ट्रांजेक्शन हो सकती है फोर्थ जनवरी को दोबारा हमने एबीसी को माल बेचा ठीक है और एबीसी को जो माल हमने बेचा उसने कम माल खरीदा था फोर्थ सपोज ने माल खरीदा था पांच सौ रुपए का तो हमने पांच सौ में ही सेल किया कोई भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया जितने का माल खरीदा था उतने का ही बिल उसको भेजा तो मैं यहाँ कितने लिखूंगा अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस करूंगा ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस करूंगा नहीं है तो नहीं माइनस करूंगा हम एज इट इज लिख देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा यहाँ हमारे पास आ जाएगा फाइव हंड्रेड तो बताने का मेरा मकसद ये कि हमारे पास जब भी हमें सेल्स जनरल बनाना होता है हम डेट लिखते हैं कस्टमर का नाम लिखते हैं फिर अगर उसने डिटेल दी हुई है कि हमने जो माल भेजा था वो कितने का था हम वो लिखते हैं लेकिन अगर उसने लिस्ट प्राइस दी हुई है और ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो रही है आपको जी सर ठीक है अच्छा फिर क्या करते हैं फिर हम एक काम करते हैं वो ये कि ये तो चलो रिकॉर्डिंग पर्पज के लिए था कि भाई हम डेली बेसिस पे हमारे पास रिकॉर्ड आ जाए कि किस किस आज कितनी सेल हुई है परसों कितनी सेल हुई है ताकि टोटल सेल्स का मैं पता लगता रहे कि टोटल सेल्स कितनी हुई है ठीक है ना और सम टाइम क्या होता है जल्दी जल्दी में काम करना होता है तो सेल्स अगर हम बनाए तो बड़ा सिंपल होता है आसान काम होता है तो हर एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी कोई एंट्री मिस नहीं होगी लेकिन मसला यह आता है कि जैसे ये ए है ये ए का मैंने नाम लिखा है यहाँ पर ए ने सामान वापस भी किया होगा ए ने पैसे भी दिए होंगे ठीक है ना एबीसी को मैंने अलग से कोई कैश डिस्काउंट भी दिया होगा तो कभी कभार मुझे देखना होगा मुझे कभी कि ये नहीं बताएगा कि एक रेलिवेंट पार्टी सपोज एबीसी उससे टोटल पैसे कितने लेने क्योंकि आपने पूरे महीने की सेल्स लिखी है तो पूरे महीने में कितनी सेल्स हुई होंगी फिर सेल्स रिटर्न भी हुई होगी फिर आप इसने कुछ पैसे भी दिए होंगे तो बकाया कितने बचे ये में कहा से पता लगेगा इसके लिए हम क्या करते हैं टी अकाउंट बनाते हैं ठीक है ये जो हमारे पास पार्टीज है ना इन सब के हम क्या करेंगे टी अकाउंट बनाएंगे क्यों ताकि इनके रेलेवेंट बैलेंसेस का हम पता लगे तो टी अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं लेजर बनाते हैं जिस तरह मैंने बताया था बुक ऑफ प्राइम एंट्री बनाते हैं बुक ऑफ प्राइम एंट्री क्यों बनाते हैं ताकि हमारे पास जितनी भी ट्रांजेक्शन है सबसे पहले यहाँ रिकॉर्ड करते हैं ताकि डेली बेसिस का रिकॉर्ड आता है ठीक है और फिर उसके बाद दफा इनवाइस नंबर होते हैं बहुत सारी बातें होती हैं वो सारी बातें यहाँ पर डिटेल में आ जाती है ठीक है लेकिन मेन मसला क्या है कि सर टी अकाउंट भी तो बनाना चाहिए ना ताकि इस बंदे से कितने पैसे लेने पी क्यू आर से कितने लेने एक्स वाई जेड से कितने लेने कोई एक सेल की ट्रांजेक्शन थोड़ी होती है इनके साथ एक पार्टी को साथ सेल्स रिटर्न भी हम करते हैं कभी कभार डिस्काउंट अलाउड भी देते हैं कभी कभार वो कैश में पैसे देते हैं कभी कभार वो बैंक की सूरत में पैसे देते हैं तो वो सारी रिकॉर्ड तो करनी होगी तो इसके लिए हम क्या करते हैं टी अकाउंट बनाते हैं जो वो जगह जहां टी अकाउंट बनते हैं उनको हम कहते हैं लेजर क्या कहते हैं लेजर तो हमारे पास तीन लेजर हैं कोर्स में कितने तीन लेजर हैं एक को हम कहते हैं सेल्स लेजर एक को हम कहते हैं परचेज लेजर और एक कॉम कहते हैं नॉमिनल लेजर ठीक है अच्छा एक और लेजर भी है लेकिन वो कैश बुक है अच्छा जी पहले हम आते हैं कि सर सेज लेजर क्या होता है अच्छा जी पहले हम आते हैं कि सेल्सर क्या होता है सेल्सर वो जगह होती है जहां पर हमारे पास किसके अकाउंट आते हैं ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट आते हैं आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सब का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में होगा जिसको हम प्यार सके एस एल एस एल का मतलब होता है सेल्स लेजर सेल्स लेजर का मतलब वो जगह वो प्लेस जहां पर ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट होते हैं मतलब अगर आपके क्लास में कोई स्टूडेंट पढ़ता है और मुझे उसका अकाउंट चेक करना है मैं एस एल ओपन करूंगा और फिर ए बी सी से अकाउंट स्टार्ट हो जाते हैं लाइक ए फॉर अब्दुल रहमान बी फॉर बासित ठीक है इस तरीके से डी ए डी फॉर दानियाल ई e फॉर अशारेफ इस तरह सीरीज वाइज हर पेज पे नाम लिखे हुए होंगे हर पेज पे एक बंदे का अकाउंट आ रहा होगा तो एस एल का मतलब वो रजिस्टर वो जगह जहां पर ट्रेड रिसीब के अकाउंट आते हैं तो ये सारे हमारे क्या है ट्रेड रिसीब है हमने इनको उधार पे माल बेचा है तो इन सब के डी अकाउंट हम कहा बना रहे होंगे एस एल के अंदर बना रहे होंगे

ठीक है अच्छा सर ट्रेड की टी अकाउंट तो चलो सेल्स लेजर में आ जाएंगे जा, अगर मुझे एबीसी को डेबिट करना है क्रेडिट करना है पी क्यू आर को डेबिट करना है क्रेडिट करना है वो मैं एस एल में जाके कर लूंगा पर सर बाकी अकाउंट भी तो है परचेजेस का अकाउंट है सेल्स का अकाउंट है बाकी सारे अकाउंट है वो आते हैं तो परचेज लेजर के अंदर हमारे ट्रेड पेबल के अकाउंट आते हैं परचेज लेजर के अंदर हमारे जितने भी ट्रेड पेबल्स होते हैं उन सब के टी अकाउंट परचेज लेजर में आते हैं ये दोनों जो हमारे पास आ रहे हैं ना एस एल एंड परचेज लेजर इनको कभी कभार प्यार से हम लोग वो भी कहते हैं क्या कहते हैं पर्सनल लेजर भी कहते हैं इन दोनों को प्यार से हम लोग पर्सनल लेजर भी कहते हैं पर्सनल लेजर से मुराद ये कि जो भी पर्सनल अकाउंट है फॉर सपोज आपको कोई कहता है यार तलाह का अकाउंट बताएं आमिर का अकाउंट बनाएं आमिर का अकाउंट बताया कितना बैलेंस है उसका। का अकाउंट कितना उसका कितना बैलेंस है।, है जितने भी बंदों के नाम है इन बंदों के नाम सारे आपको इन दोनों में मिलेंगे अगर वो रिसीवेबल है आपका क्रेडिट कस्टमर है तो उसका रिकॉर्ड आपको सेल डेजर में मिलेगा अगर वो आपका सप्लायर है आपका क्रेडिटर है या ट्रेड पेबल है उसका रिकॉर्ड आपको पेपीएल में मिलेगा परचेज में मिलेगा ठीक है अच्छा जी सर इसके अलावा भी तो अकाउंट होते हैं खाली इन लोगों के अकाउंट थोड़ी होते हैं जैसे कैश का अकाउंट है बैंक का अकाउंट है तो मुझे कैश को डेबिट करना हो कैश को क्रेडिट करना हो बैंक को डेबिट करना हो या फिर बैंक को क्रेडिट करना हो इनकी अकाउंट हैं तो कैश एंड बैंक का अलग से हम नहीं बनाते जो आपने कैश बुक बनाई थी ना वही इसका पर्पस वो पूरा कर लेती है यानी कैश बुक एक वाहिद बुक ऑफ प्राइम एंट्री है जहां पर सबसे पहले एंट्री रिकॉर्ड होती है कैश एंड बैंक की और कैश को डेबिट करना है या बैंक को डेबिट करना है वो यही हो जाता है यही हो जाता है अलग से दोबारा हम अकाउंट नहीं बनाते कैश एंड बैंक का एक ही बार यही बना लेते हैं सारा काम यही हो जाता है कैश का बैलेंस सीधी देखना है यहीं से देख लो बैंक का बैलेंस सीधी देखना है यहीं से देख लो दोबारा से कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती तो कैश बुक एक वाहिद बुक ऑफ प्राइम एंट्री है जहां सबसे पहले एंट्री रिकॉर्ड होती है कैश एंड बैंक की एंड सेकेंडली कैश को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है बैंक को डेबिट करना है क्रेडिट करना है वो भी यही हो जाता है अलग से मैं इन बैंक सेल्स जनरल करना हो, सेल्स का अलग से अकाउंट बनेगा और एबीसी को डेबिट करना हो इन सबका अलग से अकाउंट बनेगा वो कहां पर आता है वो इन लेजर्स के अंदर आता है ठीक है क्या मतलब सर सेल्स का डी अकाउंट कहां आता होगा तो कैश बुक में तो हमारे पास उनके डी अकाउंट आ जाते हैं क्या कहते हैं कैश एंड बैंक के तो सवाल ये पता होता है कि सर नॉमिनल लेजर में क्या आता है नॉमिनल लेजर में ऑल अदर अकाउंट्स ऑल अदर अकाउंट्स का मतलब अगर आप मुझे कहें कि सर सेल्स का अकाउंट कहाँ आएगा ताकि मुझे ये देखना हो टोटल सेल्स कितनी हुई है क्योंकि ये तो सिर्फ क्रेडिट सेल्स है कैश सेल्स भी होती है तो टोटल सेल्स कितनी हुई है तो सेल्स कटी अकाउंट नॉमिनल लेजर में आएगा परचेजेस कटी अकाउंट कहाँ आएगा इन तीनों में तो आएगा ही नहीं तो वो कहा आएगा नॉमिनल लेजर में नॉन एसेट का कहां अकाउंट आएगा नॉमिनल लेजर में ड्राइंग का अकाउंट कहाँ आएगा नॉमिनल लेजर में लोन का अकाउंट कहाँ आएगा नॉमिनल लेजर में तो बाकी जितने भी टी हैं ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवे एंड कैश एंड बैंक के अलावा वो सारे कहां पर आते हैं वो हमारे पास नॉमिनल लेजर में आते हैं यहाँ तक बात समझ में आ रही है जी सर तो पहला काम हम ये करते हैं एंट्रीज कहा रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में जो हमने ऊपर पढ़ी है ठीक है ये हम सीखते जाएंगे ये बेसिक है इसके बाद फिर बेसिक खत्म हो जाएगी तो हम पहले इन मैंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं दूसरा काम क्या करते हैं हम लेजर मैंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं तो आज हम लेजर बनाना भी सीखेंगे सो so, यहां पर क्या होगा यहां पर ये यह होगा कि एक तो ये जो हमारे सी पी क्यू आर एक्स बी सी ये सब क्या है हमारे ये trade receivable है. ये क्या क्या है? है तो trade receivable के लिए हम क्या करेंगे लेजर बनाएंगे. बनाएं? तो, बनाएंगे क्या बनाएंगे क्या बनाएंगे बनाएंगे और सेल्स लेजर में जाके क्या करेंगे इन सब के टी अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले हम बना लेते हैं एबीसी का टी अकाउंट ये मैंने एबीसी का टी अकाउंट बनाया ठीक है ये मैंने एबीसी का टी अकाउंट बनाया जिस तरह मैंने एबीसी का अकाउंट बनाया ऐसे ही हमारे पास क्या नाम है पी क्यू आर का टी अकाउंट बनेगा ठीक है और इसी इस तरीके इस से हमारे पास दूसरा बंदा कौन है इसका अकाउंट बनेगा तो सेल लेजर में हम क्या करेंगे ट्रेड रिसीवर का अकाउंट बनेंगे क्यों बनाएंगे ताकि इन सब की रेलेवेंट इंक्रीज कर सकें Sir, क्या करनी है लाइक फॉर सपोज ये एबीसी है ठीक है एबीसी को आपने सामान बेचा था तो जब एबीसी को आपने सामान बेचा था कितने का बेचा था नाइन हंड्रेड का तो मुझे बताएं सेल्स की एंट्री क्या होती है जब भी हम किसी कोई सेल करते हैं उसकी एंट्री क्या होती है क्रेडिट सेल्स क्रेडिट हो जाती है और एबीसी ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाता है

जनवरी और यहाँ जनवरी और रेफरेंस में देंगे, -200 -200 लिख देंगे, Third, January, में देंगे हम लोग सेल्स ठीक है ये सारे क्या हो गए मैं डेबिट कर रहा हूं मतलब ये नाइन हंड्रेड है मैंने जाके डेबिट कर दिया ये एटीन ट्वेंटी है मैंने जाके डेबिट कर दिया ये ये जाके डेबिट कर दिया ये 500 है क्या इसके लिए दोबारा से अकाउंट तो तो ंड्रेड की, की तो हम फाइव हंड्रेड यहाँ लिख लेते हैं रेफरेंस में सेल्स आएगा डेट हमारे पास आ जाएगी फोर जनवरी तो ये डेबिट मैंने कर दिया मतलब एक एस्पेक्ट मैंने पूरा कर दिया डेट इज डेबिट जितने भी हमारे एसेट हैं जब भी हम सेल्स करेंगे हमारा एसेट बढ़ेगा तो इन सबको हम डेबिट करेंगे सेल्स के साथ ठीक तक कर दिया। भी करने है। तो करने के लिए हम क्या करेंगे अब हम बार बार जाके सेल्स को क्रेडिट नहीं करेंगे दोबारा लिखा, लिखा क्रेडिट पे फिर टू थाउजेंड से दोबारा लिखा क्रेडिट पे फिर फाइव हंड्रेड दोबारा लिखा क्रेडिट पे क्योंकि ये सारी सेल्स है ये है ही सारी सेल्स इसके लिए बेस्ट तरीका ये कि आप पहले टोटल कर लें आप पहले क्या कर लें इसको टोटल कर लें तो हम क्या करेंगे पहले इसको टोटल कर लेते हैं ये जितना भी सामान है इसको हम क्या कर लेते हैं पहले हम टोटल जितनी भी हमने सेल्स की इसको हम टोटल कर लेते हैं तो कितनी आएगी है टोटल तो करना है तो क्रेडिट करने के लिए हम क्या करेंगे किसका अकाउंट बनेंगे हम बनाएंगे अकाउंट अपने पास आ, जो है सेल्स का. सेल्स का तो मैं हेडिंग में लिख रहा हूँ नॉमिनल लेजर और यहां पर मैं क्या करूंगा अपने पास जो है अकाउंट बनाऊंगा सेल्स का अच्छा जी ये सेल्स का अकाउंट है तो सेल्स इनकम है इनकम क्या होती है क्रेडिट होती है इनकम क्या होती है क्रेडिट होती है तो मैं जाके क्रेडिट करूंगा कितना क्रेडिट करूंगा फाइव नाइन ट्वेंटी मैं चार बार भी कर सकता हूं बट खामा खा रिपीट क्यों करूं, करूं अगर बहुत तीस के करीब सेल्स हो चालीस के करीब ट्रांजेक्शन हो चालीस के करीब रिकॉर्ड करूंगा तो अजीब लगेगा तो बेस ये सबको टोटल करके कर लो यहां तो पॉसिबल नहीं है ना टोटल करना क्योंकि ये सारे बंदे अलग अलग हैं तो पॉसिबल नहीं है टोटल करना बट यहां तो पॉसिबल है ठीक है तो ये महीने के एंड पे टोटल होता है अच्छा एक और बात ये जो हम टोटल करते हैं ये महीने के एंड पे करते हैं ये जो एबीसी को आपने किया, उसी पे कर लेते हैं पीक्यू आर को डेबिट किया है ये उसी डेट पे हो जाता है जिस डेट पे ट्रांजेक्शन हुई है लेकिन ये जो टोटल सेल्स है जो आप जाके क्रेडिट करते हैं या महीने के एंड पे करते हैं जब पूरा महीना पूरा हो जाता है तब करते हैं तो यहां हम क्या करेंगे डेट लिखेंगे महीने की लास्ट अगर ये जनवरी चल रहा है तो यहां थर्टी फर्स्ट जनवरी और रेफरेंस में यहां क्रेडिट सेल्स लिख देते हैं ठीक है रेफरेंस में हम क्रेडिट सेस लिखते हैं अगर आपको रेफरेंस का मसला हो रहा है तो भूल जाए वो कोई इशू नहीं है मेन चीज ये कि आपको डेबिट क्रेडिट समझ में आ जाए तो यहाँ देखिए मैंने सारे ये सारे डेबिट किए एंड ये 5920 मैंने यहाँ क्रेडिट किया डेबिट साइड का टोटल करेंगे 5920 आएगा क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे यहाँ भी 5920 आएगा एनी क्वेश्चन फ्रॉम दैट नो सर नो तो इसके सवाल मैं आपको कल कराऊंगा आप ऐसा कर ले मैं आपको एक सवाल दे दूंगा आ, क्या कहते हैं क्या नाम है, आ, है? मैं देखता हूँ मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट हो तो मैं इसे स्क्रीन लेके आपको सवाल भेजता हूँ

मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ ग्रुप में